चलिए आज हम आप लोगों को परिमेय के थ्योरम पढ़ाएंगे कि व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय रूपांतरण सूत्र को लिखे तथा समझाएं। ठीक है, आपका हेडिंग में दिख रहा होगा क्या करना है कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स आपका दिया हुआ है और इन सभी को क्या करना है, रूपांतरण सूत्र लिखना है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में लिखना है। तो कैसे करेंगे रूपांतरण सूत्र, आप लोग पहले भी जैसे क्लास टेंथ में पढ़ चुके हो कि जैसे साइन थीटा, जो हम लोग सर बता रहे थे आप लोग को कि साइन थीटा को सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में करना था। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पर कर लिए थे, लेकिन यहाँ पर जब हम क्लास 12 में आए तो यहाँ पर सिर्फ क्या लग गया, इनवर्स लग गया है, बात वह साइन होगी, थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, क्या करेंगे, सब लोग को पाइथागोरस थ्योरम याद है, उम्मीद करते हैं सबको याद होगा। ठीक है, अब देखो साइन इनवर्स एक्स का रूपांतरण सूत्र का पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद हम कॉस टेन कॉट सेक कॉस सेक पर बात करेंगे। ठीक है, पहला क्या है आपका, साइन इनवर्स एक्स का रूपांतरण सूत्र लिखना है। आप एक कर लोगे उसके बाद हमको बताने की जरूरत नहीं है। देखो साइन इनवर्स एक्स का रूपांतरण सूत्र लिखना है किस किस फॉर्म में, कॉस में, टेन में, कॉसेक में, सेक में, कॉट में। ठीक है, क्या करेंगे देखना, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है, यहाँ पर कुछ नहीं तो वन, वन से हम इसमें वन लिख ले लिए तो क्या दिक्कत हुआ, क्या क्यों दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि किसी भी संख्या में वन से जब डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए क्या किए, वन से हम डिवाइड कर दिए। अब देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, याद है शिव, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वन बटा टेन थीटा, ऐसा नहीं याद है तुम लोग को, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, क्या होता है पी बाई एच, यानी क्या परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनस दिया है, क्या नहीं दिया है, बेस नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले फिगर एक बना लो, यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है हाइपोटेनस, ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस है, सबको समझ में आ रहा है। अब देखो क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपका पी बाई एच, यानी पी का मान दिया है क्या एक्स, पी कौन सा है एक्स दिया है, और एच, एच का मान क्या दिया है वन दिया है, यहाँ पर वन कर लिए, क्या नहीं दिया है बेस नहीं दिया है, तो बेस नहीं दिया तो बेस कैसे निकालोगे, बी का फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आप लोग कर सकते हो, आप लोगों को सबको याद है। ठीक है, अब देखो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा एच, एच का मान क्या है वन, वन का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस पी, पी का मान क्या है एक्स, एक्स का स्क्वायर कर लेंगे, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा वन का स्क्वायर वन और माइनस एक्स के दो बार करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यानी बी का मान क्या आया रूट अंदर वन माइनस, आया पप्पू समझ में, बेस क्या आया तुम्हारा रूट अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर, यानी हमारा p आ गया, h आ गया और b, तीनों मान फाइंड कर लिए। अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स तो दिया है तो cos इनवर्स x बताओ, तो cos इनवर्स थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सबको याद है ना, पंडित बद्री प्रसाद भाई हरी हरी बोल, ये होता है साइन का और ये किसका होता है cos का, तो cos में क्या होता है b बाई एच, तो b का मान बोलो शिव क्या है रूट अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और b बी तो हो गया, एच का मान बोलो वन, यानी वन से इतना में डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा उतना ही आ जाएगा, इसको हम इतना ही पर छोड़ देते हैं, आया समझ में। उसके बाद क्या आएगा टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई बी, चलो पी का मान बोलो एक्स और बी का रूट अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर, आया समझ में। अब उसके बाद देखो क्या होता है, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, अब क्या आएगा कॉसेक, कॉसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका उल्टा, यानी क्या होता है एच बाई पी, एच का मान क्या है आपका वन और पी का मान एक्स, तो वन बाई एक्स हो गया। उसके बाद क्या होता है सेक, सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉस का उल्टा एच बाई पी, एच का मान बोल दो बाबू रूट अंदर वन माइनस एक्स। उसके बाद आता है कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा बी पी बाई बी, तो बी बाई पी हो जाएगा, बी का मान बोल दो रूट अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर और हमारा पी का मान एक्स। ठीक है, सबको समझ में आया। देखो अभी हम क्या किए, साइन इनवर्स एक्स का रूपांतरण सूत्र लिखना था, पांचों में कन्वर्ट कर दिए। ओके, पांचों में कन्वर्ट कैसे किए,
कॉस का फॉर्मूला जानते हैं तो कॉस में लिख लिए, टेन को जानते हैं टेन में कॉस का सेक का कोट का सबको कर लिए। कैसे किए, किसके बेस पर, ये हमारा इसके बेस पर हम क्या किए, तीनों साइड को पहले पता कर लिए उसके बाद हम निकाल लेंगे। पी बी एच पता है तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप लोग क्या कॉस इनवर्स को कन्वर्ट कर सकते हो, टेन को कर सकते हो, कोट को, सेक को, कॉस को कैसे करोगे, एक और बता दे, बताओ इसमें से कौन सा बताएं आप लोग को, कोई बोलो। सेक इनवर्स एक्स का, तो सेक का यहाँ पर ले लेते हैं। देखो सेक इनवर्स एक्स है यहाँ कुछ नहीं तो वन। पहले हम एक फिगर बना ड्रॉ करेंगे, ये हमारा क्या होता है पी एच और ए क्या होता है पप्पू बी, ठीक है। यहाँ पर सेक का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एच बाई एच बाई क्या होता है बी। तो यहाँ पर एच और बी दिया है, एच का मान क्या दिया है और बी का मान क्या दिया है वन, क्या निकलना है पी। तो पी का फॉर्मूला क्या होता है रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब ये तीनों फाइंड हो गया, उसके बाद क्या करोगे साइन इनवर्स एक्स का निकालेंगे, फिर कॉस इनवर्स का फॉर्मूला लिखते जाएंगे और सबका मान बैठाते जाएंगे, हमारा सब कंप्लीट हो जाएगा। आया समझ में, बन जाएगा, ठीक है, बना करके चेक करो।